आज संडे है, तो आज हम लोग हमारे घर में प्रार्थना कर रहे थे। हम ये सब हैं और हम सब हैं, और हमारे घर में वो बजरंग दल जो एक संस्था है वो हमारे घर में आए और डायरेक्ट अटैक करने लग गए। उसके बाद उन्होंने हाथापाई की, हमारे यहाँ के जो भैया है उनका ब्लड भी निकल रहा है। हाथापाई की, मारा पीटी की और लड़कियों के साथ छेड़खानी भी की, उनको भी हाथ उठा रहे थे। और वो ये जो बैठी है इनको मारा भी है, इन्होंने उनको मारा भी है। और वो लोग बाहर नहीं जा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, डायरेक्ट घर में घुस रहे थे और धक्का दिया। ये मेरी छोटी बहन है, इसको धक्का दिया है और गालियाँ दी है बहुत गंदी, और बोल रहे थे कि ये धर्म परिवर्तन है, नॉनसेंस बातें कर रहे थे ऐसा वैसा, तो तुम लोग क्यों कर रहे हो। लेकिन ये हमारा घर है, तो ये हमारा राइट है, हम कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये लीगल है, इलीगल कुछ भी नहीं है। अगर ये इलीगल है तो फिर हमको आप साबित करके दिखाइए कि ये इलीगल है। हमने किसी का खून या मारा पीटी तो की नहीं है। हम हमारे घर में बैठे थे, हम घर में प्रार्थना कर रहे थे। आज संडे का दिन है और उन्होंने बीच में आके हमारी प्रार्थना तोड़ दी और फिर हमारी प्रार्थना भी नहीं हो पाई और गुंडागर्दी कर रहे थे, मारा पीटी कर रहे थे, लड़कियों के ऊपर हाथ उठा रहे थे, घर में घुस रहे थे, घर का दरवाज़ा भी तोड़ दिया। और जो हमारे भैया है वो भी जो प्रार्थना में हमारे साथ ही थे, उनके साथ मारा पीटी कर रहे थे, कॉलर पकड़ के बाहर निकाल रहे थे। और एक शिवनगर के पता नहीं वो कुछ है वोट वगैरह मांगने के लिए आते हैं, तो वो कॉलर वगैरह ये सब पकड़ रहे थे। और अभी हम थाने में बैठे हुए हैं और हमारी ना रिपोर्ट लिखाई गई है, ना हमारा मेडिकल हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और वो लोग ऐसे खुले सांड के जैसे आवारा टाइप के ऐसे घूम रहे हैं वो बजरंग दल वाले, और फालतू के नारे लगा रहे हैं धर्म परिवर्तन एटसेट्रा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कृपया हमारी मदद कीजिए, ये देख लिया आप।